कौन सी? एक दो को खुशी की खुराक खिलाने वाले, नष्टो मोहा, निद्रा जीत, प्योर डायमंड, खुशबूदार फूलों को रविवार की गॉडली मॉर्निंग। मनुष्य आत्माएं क्यों इतनी भाग दौड़ कर रही हैं? क्योंकि जीवन में जीवन से संतुष्ट नहीं है। कब होंगे संतुष्ट? कैसे होंगे? जब संबंध, संपत्ति और सेहत परफेक्ट हो, भरपूर हो। आज 16 अप्रैल 2023 की अव्यक्त वाणी में बाप दादा हमें संतुष्ट मणि बनने की युक्ति बताते हैं। संतुष्ट आत्माओं की क्या विशेषताएं हैं वो भी समझेंगे। पर्सनल मुलाकातों में बाप दादा आज कमजोरियों को निकालने की विधि बताते हैं और हम वेस्ट को कैसे बेस्ट में बदलकर होली हंस बने वो भी सुनेंगे, समझेंगे। सभी उड़ते पंछियों के लिए ये मुरली चली है ओम शांति भवन में 3 अप्रैल 1994 को, जिसका शीर्षक है संतुष्टता का आधार संबंध, संपत्ति और सेहत, माना तंदुरुस्ती। संतुष्टता का आधार संबंध, संपत्ति और सेहत। आज दिलाराम बाप अपने सदा संतुष्ट रहने वाली संतुष्ट आत्माओं व संतुष्ट मणियों को देख रहे हैं। दिल को आराम देने वाले बाप अपने संतुष्ट बच्चों को, संतुष्ट मणियों को देख रहे हैं। ये रूहानी मणियों की चमक सारे दरबार को चमका रही है। संतोषी आत्माएं स्वयं को भी प्रिय और सर्व को भी प्रिय और बाप को तो प्रिय है ही। संतोषी आत्माओं से देखो सब खुश रहते हैं, संतुष्ट रहते हैं, सबको अच्छे लगते हैं क्योंकि उनको कोई शिकायत नहीं होती, कोई कामनाएं नहीं होती, इच्छाएं नहीं होती, इसलिए वो सबको प्रिय लगते हैं। ऐसे बच्चे बाबा को तो खैर बहुत ही प्रिय हैं। तो ऐसे हो ना, क्योंकि इस श्रेष्ठ ब्राह्मण जीवन में अप्राप्ति का नाम ही नहीं है। स्वयं भगवान मिल गया तो फिर और क्या चाहिए, पाना था सो पा लिया। सर्व प्राप्ति संपन्न आत्माएं हो तो जहां सर्व प्राप्ति है वहां सदा संतुष्टता स्वतः और स्वाभाविक है ही। नेचुरल स्वभाव उसका संतोष का है और संतुष्टता का स्वरूप व स्वभाव निजी संस्कार ऐसा श्रेष्ठ है जो असंतुष्ट आत्मा को भी संतुष्टता का वाइब्रेशन वायुमंडल, संतोष वायुमंडल में बदल देता है। जो संतुष्ट आत्माएं हैं वो इतनी शक्तिशाली होती हैं, प्रभावशाली होती हैं कि असंतुष्ट आत्माओं को भी संतुष्ट बना देती हैं, वायुमंडल को परिवर्तन कर देती हैं। इस संगम युग में विशेष बाप दादा की देन संतुष्टता है। बाबा ने हमें सभी प्राप्तियां कराई हैं और संतुष्टता भी प्रदान की है। एक संतुष्टता की विशेषता और विशेषताओं को भी सहज अपने समीप लाती है। ये ऐसा गुण है जो और गुणों को भी समीप लाता है। लेकिन सदा संतुष्ट हो, संतुष्ट तो हैं लेकिन बाबा पूछ रहे हैं सदा संतुष्ट हो। परिस्थिति कितनी भी बदले लेकिन संतुष्टता की स्थिति को परिस्थिति बदल नहीं सकती। यानी कि परिस्थिति हमारे अनुकूल है तो हम संतुष्ट हैं और परिस्थिति प्रतिकूल हुई तो फिर हम असंतुष्ट हो गए। बाबा कहते हैं ऐसे नहीं, सदा संतुष्ट हो। परिस्थिति है ही बदलने वाली, परिस्थिति सदा एक समान तो नहीं रह सकती है ना। तो बाबा कहते हैं परिस्थिति है ही बदलने वाली क्योंकि परिस्थिति है ना, दूसरे के तरफ से आती है, बाहर से आती है, तो वो तो बदलती रहेगी। लेकिन स्वसंतुष्टता की स्थिति सदा प्रगतिशील है। खुद हम आगे बढ़ते जाएं ये तो हमारे कंट्रोल में है ना। तो स्वसंतुष्टता की स्थिति सदा प्रगतिशील है।
आपके आगे कैसी भी हिलाने वाली परिस्थिति ऐसे ही अनुभव होती है जैसे पपेट शो देखते हो ना, कठपुतली का खेल देखते हैं। बाबा कहते हैं परिस्थिति ऐसे ही है, होता सब कुछ है लेकिन होता पपेट है। तो कैसी भी परिस्थिति पपेट शो लगता है, वह आजकल का जो फैशन है कार्टून शो अच्छा लगता है ना। होता तो शेर भी है, बिल्ली भी होती है, लेकिन होता क्या है, कार्टून है ना, असली में तो कुछ भी नहीं है ना, कठपुतली में भी कोई जान तो नहीं होती है। तो बाबा यही कह रहे हैं कि वो कार्टून शो के समान है, कठपुतली के समान है। कहानी पूरी होती है लेकिन है कार्टून की स्टोरी, रियल नहीं है, सब कुछ नकली है, असली नहीं है। कोई भी कभी भी परिस्थिति आए तो यही समझो एक बेहद के स्क्रीन पर कार्टून शो चल रहा है, वह पपेट शो चल रहा है। तो वह देख करके परेशान होंगे कि मनोरंजन करेंगे, कार्टून शो हो कोई मूवी हो तो देख के मनोरंजन होता है ना, वो देख के परेशान तो नहीं होंगे क्योंकि पता है ये नकली है, रियल तो है नहीं। तो शो देखना तो अच्छा ही है ना, तो यह माया का व प्रकृति का यह भी एक शो है। तो हमारे आसपास जो कुछ भी होता है बाबा कहते हैं उसको एक शो की तरह देखो, खेल की तरह देखो, मनोरंजन की तरह देखो। जिसको साक्षी स्थिति में सदा संतुष्टता के स्वरूप में देखते रहो, अपनी शान में रहते हुए देखो, संतुष्ट मणि हूँ, संतोषी आत्मा हूँ, मैं संतोषी आत्मा हूँ, संतोषी देवी हूँ, संतुष्ट मणि हूँ। इस शान में रहना है, इस स्वमान में रहना है। जो कुछ भी हो रहा है ये एक शो है, खेल है। ये है संगम का श्रेष्ठ शान, संतुष्ट मणि, संतोषी आत्मा के स्वमान में रहना। बाबा कहते हैं ये है संगम का श्रेष्ठ शान। तो शान में स्थित होना आता है ना, कि परेशान होना अच्छा लगता है। बाबा हमेशा कहते हैं ना कि शान में स्थित रहेंगे, श्रेष्ठ शान में रहेंगे तो कभी भी परेशान नहीं होंगे। सदा संतुष्टता की विशेषता को इमर्ज रूप में स्मृति में रखो कि मैं संतुष्ट आत्मा हूँ। सारी प्राप्ति हमें एक बाप से हो चुकी है, स्वयं भगवान मिल गया है, और क्या चाहिए, है ना। तो संतुष्ट आत्मा, ये विशेषता को सदा इमर्ज रखना है, बुद्धि में याद रखना है। प्राप्तियों में विशेष संबंध और संपत्ति आवश्यक है। अब चेक करेंगे हमें क्या क्या मिला है, बाबा से क्या प्राप्तियां होती हैं। तो प्राप्तियों में विशेष संबंध और संपत्ति आवश्यक है। संबंध में भी अगर एक भी संबंध अप्राप्त है तो संपूर्ण संतुष्टता नहीं होगी। लौकिक में भी यदि कोई एक संबंध में खटास होती है तो आत्मा बेचैन होती है ना, संतुष्ट नहीं होती। तो बाबा यही कह रहे हैं, तो संबंध में भी सर्व चाहिए और अविनाशी चाहिए। अगर कोई भी संबंध विनाशी है तो अप्राप्ति और असंतुष्टता स्वतः हो जाती है। कभी रिश्ते गड़बड़ होते हैं, खटास आती है तो असंतुष्टता आ जाती है। लेकिन एक ही वर्तमान संगम युग है जिसमें सर्व अविनाशी संबंध एक बाप से अनुभव कर सकते हो। लौकिक रिश्ते तो कभी टूट भी सकते हैं, कोई देह भी छोड़कर जा सकता है, मृत्यु हो जाती है ना, तो संबंध वहीं खत्म हो जाता है। तो बाबा कहते हैं सर्व अविनाशी संबंध एक बाप से ही हम अनुभव कर सकते हैं। कब? इस वर्तमान संगम युग पर। सतयुग में भी संबंध बहुत थोड़े हैं, सर्व नहीं है, लेकिन इस समय जिस संबंध की आकर्षण हो, अनुभूति करना चाहे, वो संबंध परम आत्मा द्वारा अनुभव कर सकते हो। लौकिक में जिस भी संबंध में कमी का एहसास होता है तो वो संबंध हमें बाबा के साथ अनुभव करना है, तो फिर बुद्धि की रग उस संबंध में नहीं जाएगी। हरेक के जीवन में संबंध की भी अलग अलग पसंदी होती है, सबको अलग अलग संबंधी पसंद होते हैं, है ना। किसी का कोई फेवरेट, किसी का कोई संबंध फेवरेट। किसको बाप का संबंध इतना अच्छा नहीं लगेगा, फ्रेंड ज्यादा अच्छा लगेगा। लेकिन एक समय पर और एक से सर्व संबंध प्राप्त हैं, सर्व प्राप्ति है कि कुछ रहा हुआ है, पीछे बैठे हुए क्या समझते हैं। आज नए नए को आगे बैठने का चांस दिया है,
अच्छा, जो इस कल्प में इस बार पहली बार आए हैं वो हाथ उठाओ। भले पधारे, बाबा सबको वेलकम करते हैं। बाप दादा भी पदमगुणा स्नेह संपन्न वेलकम कर रहे हैं। नए होते भी कल्प कल्प के अधिकारी हैं, ये तो समझते हो ना। बाप दादा सदा कहते हैं, बड़े तो बड़े हैं लेकिन छोटे समान बाप हैं, इसलिए सदा अपने रूहानी बेहद के संपूर्ण अधिकार के निश्चय और नशे में रहो। पुरानी आत्मा हो, नई आत्मा हो, कोई भी हो, बाबा से संबंध स्थापित करना है और बाबा से ही हमको सारे अधिकार प्राप्त हो सकते हैं, होते हैं, इनका अनुभव करना है और इसी निश्चय और नशे में रहना है, बाप समान बनना है। बेहद का नशा है, हद का नहीं रखना। हद का नशा तो हम कैसे करते हैं पता है ना सबको, तो बाबा कहते हैं ये बेहद का नशा है, हद का नहीं रखना। और ऐसा भी नहीं कि नशा कभी कभी हो, सदा के लिए। देखो कितने श्रेष्ठ अधिकारी हो जो स्वयं बाप ऑलमाइटी अथॉरिटी के ऊपर अधिकार रख दिया, बाबा को अपना बना लिया है ना, परमात्मा अधिकारी, इससे बड़ा अधिकार और है ही क्या। भगवान हमारा हो गया, भगवान पर हमारा अधिकार है, इससे बड़ा और कोई अधिकार हो सकता है। हम भगवान के बच्चे हैं, मास्टर सर्वशक्तिमान है, इससे ऊंचा पद कोई हो सकता है। हम विश्व महाराजन हैं, विश्व महारानी हैं, इससे ऊंची कोई पोजीशन हो सकती है। तो बाबा कहते हैं कि परमात्मा अधिकारी, इससे बड़ा अधिकार और है ही क्या। जब बीज को अपना बना लिया तो वृक्ष तो समाया हुआ है ही। बाबा को अपना बना लिया तो सारा संसार तो अपना बन ही गया ना, क्योंकि सभी बाबा के बच्चे हैं। सार को अपना लिया तो विस्तार तो है ही ना अपना। तो बाबा कहते हैं जब बीज को अपना बना लिया तो वृक्ष तो समाया हुआ है ही, सर्व संबंधों का भी अविनाशी अधिकार ले लिया, और संपत्ति में भी अगर सिर्फ स्थूल संपत्ति है तो भी सदा संतुष्ट नहीं रह सकते। चलो सर्व संबंध तो बाबा से अनुभव कर लिया, अब जो लौकिक में पैसे वाले हैं, संपत्तिवान हैं, तो वो भी संतुष्ट तो नहीं है ना। तो बाबा कहते हैं कि स्थूल संपत्ति के साथ अगर सर्व गुणों की संपत्ति, सर्व शक्तियों की संपत्ति और श्रेष्ठ संपन्न ज्ञान की संपत्ति नहीं है तो संतुष्टता सदा नहीं रह सकती। तो स्थूल धन तो चाहिए, साथ साथ गुण शक्ति और ज्ञान, जब तक ये नहीं होगा आत्मा संतुष्ट नहीं रह सकती। लेकिन आप सबके पास यह श्रेष्ठ संपत्तियां हैं, संपत्तिवान होना है ना सबके पास, ज्ञान गुण शक्ति का खजाना। तो बाबा कहते हैं संपत्तिवान होना, दुनिया वाले तो सिर्फ स्थूल संपत्ति वाले को संपत्ति भाव का वरदान देते हैं, लेकिन आप सबको वरदाता बाप सर्वश्रेष्ठ संपत्ति भाव का वरदान देते हैं। तो सब संपत्ति है ना, खाली स्थूल धन नहीं, हमारे पास सारे खजाने, सारी संपत्ति है ना, कि कोई कम है। किसी के पास कुछ कमी है तो बोल दो, बाबा को अभी दे देंगे। फुल है, पूरा है, 100% है। पीछे वालों के ऊपर सबसे ज्यादा ध्यान है। देखो जो पीछे बैठते हैं सभा में, उनको लगता है ना कि बाबा की नजर हमारे ऊपर नहीं जाती, लेकिन बाबा तो ज्यादा ही ध्यान देते हैं पीछे वालों पर। आगे वालों का ध्यान बाप के तरफ ज्यादा है और बाप का ध्यान पीछे वालों के ऊपर ज्यादा है। तो अब किधर बैठना है, डायमंड हॉल में आगे सोफे पे बैठना है या पीछे बैठना है या बाहर बैठना है, कहीं भी बैठो बाबा का ध्यान हर एक बच्चे पर रहता है। तो बाबा कहते हैं जितना ही दूर है उतना ही नैनों में समाये हुए हैं, क्योंकि बाप के पास तो बेहद की दृष्टि है ना। तो जितना दूर बाबा कहते हैं उतना नैनों में समाए हुए हैं, दिल तख्त पर विराजमान है, कहीं भी बैठे रहे। साकार वतन में तो साकार की बातें होती हैं। देखो परम धाम में आप सभी आत्माएं कितनी समीप होंगी, सभी साथ होंगे ना, और सूक्ष्म वतन में भी इतना बेहद है जो जितना समीप आना चाहे आ सकते हैं। जगह की कमी नहीं है, कहीं से भी घुस जाओ, बाबा के पास पहुंच जाओ, सूक्ष्म वतन भी इतना बड़ा है।
तो बाबा कहते हैं जितना समीप आना चाहो आ सकते हो, लेकिन बच्चों का स्नेह निराकार और आकार को भी साकार बनाना चाहता है। तो बाप क्या कहते हैं, जी हजूर जी हाजिर। बच्चे चाहते हैं ना कि बाप दादा हमसे साकार में मिलन मनाने आए, तो बाबा कहते हैं ओके जी हुजूर जी हाजिर, बाप हाजिर है। बच्चे तो बाप के भी हुजूर हैं, मालिक है ना, मालिक को हुजूर कहा जाता है और बालक को भी मालिक कहा जाता है। तो सभी कौन हो, संतुष्ट मणियां। भगवान हमारे बुलावे पर हाजिर है, अभी भी संतुष्ट नहीं होंगे? संबंध में भी संतुष्ट और संपत्ति में भी संतुष्ट। संबंध, संपत्ति और तीसरी होती है सेहत, तंदुरुस्ती। यदि संबंध अच्छे हैं, पैसा भी खूब है, ज्ञान गुण शक्ति भी है, लेकिन तबीयत ही नहीं ठीक हो, बीमारी हो, मन की बीमारी हो, तन की बीमारी हो, तो फिर संतुष्टता होगी नहीं ना, शिकायत होगी ना। तो बाबा कहते हैं संबंध, संपत्ति और तीसरी होती है सेहत, तंदुरुस्ती। आप सभी तंदुरुस्त हो ना कि बीमार हो, आत्मा तो तंदुरुस्त है ना, शरीर की कोई बात ही नहीं। मन चंगा तो कटौती में गंगा कहते हैं ना, तो मन दुरुस्त तो तन भी दुरुस्त। तो बाबा कहते हैं आत्मा तो तंदुरुस्त है ना, शरीर की कोई बात ही नहीं। आत्मा सदा शक्तिशाली है, संगम पर श्रेष्ठ सेहत व तंदुरुस्ती है आत्मा की तंदुरुस्ती। मन से बीमार तो फिर कुछ भी एंजॉय नहीं कर सकते हैं, मन दुखी है तो कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा। तो आत्मा की दुरुस्ती बहुत जरूरी है, आत्मा की सेहत बहुत जरूरी है। इस समय के आत्मा की तंदुरुस्ती जन्म जन्म के शरीर की तंदुरुस्ती भी दिलाती है। अभी आत्मा जितनी शक्तिशाली होगी, तन भी उतना पवित्र, उतना उज्ज्वल, उतना अच्छा मिलेगा, कंचन काया मिलेगी। लेकिन इस समय थोड़ा सा प्रकृति अपना रूप दिखाती है, अब तत्व ही तमो प्रधान है, तो फिर जैसा मटेरियल होगा वैसे ही प्रोडक्शन होगा ना। तो इस समय थोड़ा सा प्रकृति अपना रूप दिखाती है, इसमें भी कोई बड़ी बात नहीं, यह भी कार्टून शो है। कोई बीमारी आ रही है तो ये भी तो अपना कर्म भोग है ना, यही समझना है कि कार्टून शो है। तो सर्व प्राप्तियां है ना, संबंध भी है, संपत्ति भाव भी है, सर्व संबंध भाव भी है और सदा तंदुरुस्त भाव भी है। तो देखो सारे वरदान मिल गए। बाबा कहते हैं संबंध, संपत्ति और तंदुरुस्ती, सब कुछ है। तीनों वरदान वरदाता बाप से मिले हुए हैं, तो वरदानों को समय पर कार्य में लगाओ। सिर्फ वरदान सुनकर खुश नहीं हो जाओ कि हाँ मुझे बहुत अच्छा वरदान मिला है, या सिर्फ नोट करके नहीं रखो, लेकिन समय पर वरदान को काम में लगाने से वरदान कायम रहते हैं। जो मिला है हमें बाबा से वरदान, वो हमें यूज करना है, तो सदा के लिए बाबा कहते हैं वरदान कायम रहते हैं। अगर वरदानों को समय पर काम में नहीं लगाया तो वह वरदान फल नहीं देता। बाबा ने कह दिया लेकिन हमने यूज नहीं किया, तो बाबा कहते हैं फिर वो किस काम का है, वो फल नहीं देता वरदान। कैसे करना है बाबा आगे बताते हैं। वरदान तो अविनाशी बाप का है, लेकिन वरदान को फलीभूत करना है। बाबा ने वरदान तो दे दिया, अब इसको फलीभूत कैसे करेंगे? बाबा कहते हैं बीज तो है, लेकिन उससे फल कितना निकालते हो वह आपके हाथ में है। बाबा ने बीज दे दिया, अब इसको रोपना, पानी देना, बढ़ाना, फल निकालना, ये हमारे हाथ में है। कैसे करेंगे? कोई सिर्फ वरदान के बीज को देख देख करके खुश होते हैं, बहुत अच्छा बहुत अच्छा, लेकिन फलदायक बनाओ। बार बार स्मृति का पानी दो। बाबा ने वरदान दे दिया, हमने डायरी में नोट कर लिया और डायरी बंद, नहीं। बाबा कहते हैं इसको स्मृति में लाओ बार बार कि बाबा ने क्या वरदान दिया है, याद करो कि हम वो हैं। तो बाबा कहते हैं स्मृति का पानी दो, वरदान के स्वरूप में स्थित होने की धूप दो, फिर देखो वरदान सदा फलीभूत होता रहेगा और वरदानों को भी साथ में लाएगा। माना बाबा ने हमें जो वरदान दिया है वैसा हमें बनना है, स्वरूप का अनुभव करना है।
तो एक वरदान से बाबा कहते हैं कई वरदान और आते जाएंगे और वरदानों को भी साथ में लाएगा, जो बाबा कहते हैं ना ज्ञान स्वरूप योग स्वरूप युक्ति युक्त योग युक्त। तो वरदानों को काम में लेना है, अनुभव करना है, वो वरदानों के फल स्वरूप बन जाएंगे, वरदानों को साथ में लाएगा यदि हम वरदानों को स्मृति का जल देंगे और स्वरूप में स्थित होने की धूप देंगे तो और वरदान भी साथ में आएंगे, वरदानों के फल स्वरूप बन जाएंगे। तो आज के त्रिवरदान को फलीभूत करना और समय पर जरूर याद रखना। कौन से तीन वरदान मिले हमें? बाबा ने कहा सर्व संबंधों का अनुभव एक बाप से और सभी संपत्ति सभी खजाने ज्ञान गुण शक्ति सब खजानों को यूज करना है और मन से दुरुस्त आत्मा शक्तिशाली हो तंदुरुस्त हो। तो बाबा कहते हैं कि इन वरदानों को फलीभूत करना और समय पर जरूर याद रखना। समय पर भूल जाते हैं, पीछे पड़ते रहते हो कि हाँ ये वरदान तो था, डायरी खोली बाद में तो अरे ये वरदान तो मिला हुआ था। वरदानों को जितना समय पर कार्य में लगाएंगे उतना वरदान और श्रेष्ठ स्वरूप दिखाता रहेगा। वरदानों को कार्य में लगाएंगे तो वरदान और श्रेष्ठ स्वरूप दिखाता रहेगा। तो सभी को वरदान मिलाना अच्छा। चारों ओर के देश विदेश के सर्व संतोषी आत्माओं को, संतुष्ट मणियों को, सर्व प्राप्ति संपन्न आत्माओं को, जिन्होंने भी याद पत्र कार्ड आज के दिवस के भी भेजे हैं, तो आज के विशेष दिवस की भी सर्व बच्चों को याद प्यार पद्म गुणा स्वीकार हो। चाहे दूर बैठकर मन में दिल में मना रहे हैं, चाहे सम्मुख मना रहे हैं, कार्ड व पत्र सब पहले वतन में पहुंचते हैं, तो सभी के पत्र कार्ड और शुभ संकल्पों की याद, शुभ भावनाओं की याद के रिटर्न में बाप दादा का विशेष याद प्यार और सर्व बालक सो मालिक बच्चों को नमस्ते। अच्छा, पिछली बार शिव जयंती के मौके पर मुरली चली थी तो शायद वही कार्ड और पत्र बाबा के सामने और भी आए हुए होंगे, तो बाबा सबको याद प्यार दे रहे हैं। हम सभी संतुष्ट मणियों का रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। अब है दादियों से मुलाकात। सूक्ष्म इशारों की भाषा तो जानते हो ना, जैसे अव्यक्त बाप इशारों की ही भाषा जानते हैं। अव्यक्त वतन में तो नैनों की भाषा और इशारों की भाषा है, तो वहाँ पर मूवी है ना, टॉकी तो है नहीं, लिप रीड करते हैं। तो बाबा कहते हैं नैनों की भाषा है और इशारों की भाषा है, तो आप भी जानते हो ना, नैनों की भाषा जानते हो, साकार से सीखे हो ना, मुख की भाषा तो सुनी, अभी है नैनों की भाषा। नैनों की भाषा बड़ी प्यारी है, आवाज से परे तो जाना ही है, फिर भी बाप जी हुजूर तो करते ही हैं। बाबा कहते हैं कि मुख की भाषा भी सबने सुनी, नैनों की भाषा भी आनी चाहिए और फिर धीरे धीरे हमें आवाज से परे तो जाना ही है, फिर भी बाप जी हुजूर तो करते ही हैं। अच्छा, अब है अव्यक्त बाप दादा की पर्सनल मुलाकात। पहला पॉइंट है स्वयं और समय पर भरोसा नहीं, इसलिए दृढ़ संकल्प से कमजोरियों को निकाल दो। स्वयं और समय पर भरोसा नहीं, इसलिए दृढ़ संकल्प से कमजोरियों को निकाल दो। सभी अपने को विश्व सेवाधारी अनुभव करते हो, विश्व सेवाधारी व विश्व कल्याणकारी वही बन सकता है जिसके पास सर्व शक्तियों का खजाना संपन्न है। तो सर्व शक्तियों का स्टॉक जमा है, सर्व शक्तियां हैं, व कोई शक्ति है कोई नहीं है, कभी कभी कोई कम हो जाती है। सदा अपने आप को चेक करो कि सर्व शक्तियां हैं व कोई शक्ति की कमी है। अगर कमी है तो उसके कारण को सोचो, क्योंकि कारण को समझेंगे तो निवारण कर सकेंगे।
क्योंकि ये माया का नियम है कि जो कमजोरी आप में होगी उसी कमजोरी के द्वारा ही आपको माया जीत बनने नहीं देगी। जहाँ का दरवाज़ा हम खुला रखेंगे वहीं से तो माया आएगी ना। तो जो स्वभाव संस्कार जो कमी कमजोरी होगी तो माया वहीं से एंटर करेगी, माया जीत बनने नहीं देगी। तो वर्तमान समय भी समय प्रति समय माया उसी कमजोरी का लाभ लेगी और आगे चलकर जब अंत समय आएगा तो वो भी वो कमजोरी धोखा दे देगी। बाबा कह रहे हैं कि आगे चलकर जब अंत समय आएगा तो भी वो कमजोरी धोखा दे देगी। तो जिससे बार बार धोखा खा रहे हैं वही अंत में भी धोखा देगी यदि हम माया जीत नहीं बने तो। तो ऐसे नहीं सोचना कि थोड़ी सी कमजोरी है, एक ही कमजोरी है, बाकी तो बहुत अच्छा हूँ अच्छी हूँ। एक कमजोरी भी धोखा दे देगी, इसलिए कोई भी कमजोरी अपने अंदर रहने नहीं दो। क्योंकि बाबा कहते हैं ना, अंश के वंश को भी खत्म कर दो, अंश से भी वंश खड़ा हो जाता है। तो एक भी कमजोरी छोड़ी तो फिर वहीं से मात खा लेंगे। इसलिए बाबा कहते हैं एक भी कमजोरी का मार्जिन अपने अंदर रहने नहीं दो, खत्म कर दो। अगर स्वयं नहीं मिटा सकते हो तो कोई का सहयोग लो, जो शक्तिशाली आत्माएं हैं उनका सहयोग लो। मान लो नहीं समझ में आ रहा है कि कैसे जीतें, तो बाबा से तो पूछना ही अमृत वेले, फिर भी नहीं समझ में आता है तो जो महारथी हैं सीनियर हैं उनसे बात करनी चाहिए, उनका सहयोग लेना चाहिए। विशेष योग का प्रयोग करो, किसी भी विधि से कमजोरी को मिटाना ही है यह दृढ़ संकल्प करो। सबसे पहले बैठना चाहिए खुद के साथ, बाबा के साथ पूछना चाहिए, संपूर्ण सरेंडर कर दो बाबा के सामने, फिर देखो बाबा कैसे टचिंग कराते हैं। बाबा कहते हैं कि विशेष योग का प्रयोग करो, किसी भी विधि से कमजोरी को मिटाना ही है यह दृढ़ संकल्प लो, खत्म करना ही है कैसे भी। यह भी नहीं सोचो कि आगे चलकर हो जाएगा, नहीं, अभी से निकाल दो, क्योंकि स्वयं पर और समय पर कोई भरोसा नहीं है। कब अपना समय पूरा हो जाए, कब समय पूरा हो जाए, कब ड्रामा पूरा हो जाए पता है? कोई भरोसा नहीं है। ऐसे नहीं सोचो कि आगे चलकर ये करेंगे हो जाएगा, नहीं, आपका स्लोगन है अब नहीं तो कब नहीं। तो जो करना है वो अभी करना है, क्योंकि बाप संपन्न है और आपका बाप से प्यार है, तो बाप जैसा बनना ही प्यार का प्रैक्टिकल स्वरूप है। नाउ और नेवर, अभी नहीं कर पाए तो कभी नहीं कर पाएंगे। और बाबा कहते हैं जब मुझसे प्यार है तो मेरे जैसा तो बनना ही है ना, तो ये प्रैक्टिकल स्वरूप हमको बनकर दिखाना है। तो बाबा में तो कोई भी कमी नहीं है, तो हमें भी सारी कमजोरियों को जीत लेना है। बाबा कहते हैं ये प्रैक्टिकल प्यार का स्वरूप दो, सबूत दो। जितना बाप से बहुत बहुत प्यार है इतना ही पुरुषार्थ से भी बहुत बहुत प्यार है। पुरुषार्थ से प्यार है तो फिर बनो बाप समान। जितना बाप से प्यार के लिए फलक से कहते हो, नशे से कहते हैं ना, गर्व से, कि 100% से भी ज्यादा प्यार है, ऐसे पुरुषार्थ के लिए भी कहो। उस कमी को मिटाने के लिए, उस स्वभाव संस्कार को जीतने के लिए हम अपना 100% दे रहे हैं, इतना पुरुषार्थ कर रहे हैं, सोचेंगे करेंगे नहीं, गेगे नहीं। बाबा कहते हैं ना सब कमजोरियां खत्म, गे नहीं। शिवरात्रि मनाने आए हो तो कुछ तो बलि चढ़ेंगे ना, तो शिवरात्रि का मौका है। देखो पिछली बार भी मुरली चली शिवरात्रि पर, तो बाबा कहते हैं अब कुछ तो बलि चढ़ाओगे ना, खुद को तो न्योछावर करने ही है। तो कमी कमजोरी रख कर थोड़ी खुद को न्योछावर करेंगे कि खुद के अंदर कमी है और न्योछावर हो गए, लेकिन कमी वैसी की वैसी है। नहीं, पहले कमी को खत्म करना है, साफ सच्चा बनना है, फिर न्योछावर होना है ना। तो बाबा कहते हैं कुछ तो बलि चढ़ेंगे ना। बाप दादा सभी बच्चों को संपन्न देखना चाहते हैं, बाप का प्यार है इसलिए बच्चों की कमी अच्छी नहीं लगती। कोई भी माँ बाप चाहते हैं ना कि हमारे बच्चे परफेक्ट हों, कोई भी खराबी नहीं हो, अवगुण नहीं हो। तो क्या याद रखेंगे कि सदा संपन्न संपूर्ण रहना ही है कि थोड़ी थोड़ी कंप्लेन करते रहेंगे? कंप्लीट कंप्लेन खत्म। बाबा कहते हैं ना
कंप्लेन कब होती है? जब कंप्लीट नहीं बने हैं। कंप्लीट बने तो कंप्लेन खत्म। संपन्न बनना ही मनाना है, शिवरात्रि मनाना है, जन्मदिन मनाना है, मना संपन्न बनना ही है। बाप समान संपन्न कब बनेंगे? जब बाप के समीप होंगे। कब समीप जाएंगे? जब कमी कमजोरी दूर करेंगे, खत्म करेंगे तब। दूसरा पॉइंट है वेस्ट को बेस्ट बनाना, अर्थात होली हंस बनना। वेस्ट को बेस्ट बनाना अर्थात होली हंस बनना। सभी अपने को सदा होली हंस अनुभव करते हो। होली हंस का अर्थ है संकल्प, बोल और कर्म। जो व्यर्थ होता है उसको समर्थ में बदलना, क्योंकि व्यर्थ जैसे पत्थर होता है, पत्थर की वैल्यू नहीं रत्न की वैल्यू होती है। तो व्यर्थ को समाप्त करना अर्थात होली हंस बनना। तो व्यर्थ आता है, होली हंस फौरन परख लेता है कि ये काम की चीज नहीं है, ये काम की है। तो आप होली हंस हो ना, तो व्यर्थ समाप्त हुआ। क्योंकि अभी नॉलेजफुल बने हो कि अगर अभी संकल्प, बोल या कर्म व्यर्थ गवाते हैं तो सारे कल्प के लिए अपने जमा के खाते में कमी हो जाती है। जानते हो ना, नॉलेजफुल हो तो जानते हुए फिर व्यर्थ क्यों करते हो? जब हमें पता है ये गलत है, रॉन्ग है, व्यर्थ है, तो फिर क्यों करते हैं? चाहते नहीं हैं लेकिन हो जाता है, ऐसे कहेंगे। हम कहते हैं ना कि अरे हो गया, चाहते तो नहीं थे लेकिन हो जाता है। जो समझते हैं अभी भी हो सकता है वो हाथ उठाओ। आप हो कौन? राजयोगी। राजयोगी का अर्थ क्या है? राजा हो ना, तो मन को कंट्रोल नहीं कर सकते। हम कहते हैं ना नहीं चाहते हुए भी हो गया, तो बाबा कह रहे हैं आप मन के राजा नहीं हो, कंट्रोल नहीं कर सकते हो। किंग में तो रूलिंग पावर होती है ना, तो आप में रूलिंग पावर नहीं है। अमृत मेले और फिर सारे दिन में बीच बीच में अपना ऑक्यूपेशन याद करो, मैं कौन हूँ। अमृत वेले याद करो मैं कौन हूँ, दिन भर याद करो, चेक करो बीच बीच में मैं कौन हूँ। क्योंकि काम करते करते यह स्मृति मर्ज हो जाती है कि मैं राजयोगी हूँ, इसलिए इमर्ज करो, ये नियम बनाओ। इसीलिए ट्रैफिक कंट्रोल, खुद में अभी भी कोई कमी कमजोरी है उससे रिलेटेड स्वमान लेना है और अमृत वेले उसको पक्का करना है। ट्रैफिक कंट्रोल के टाइम दिन भर जैसे भी समय मिले अपनी दिनचर्या के अनुसार उस स्मृति को इमर्ज करना है, उस स्वमान को इमर्ज करना है। बाबा कहते हैं ये नियम बनाओ। ऐसे नहीं समझो कि हम तो है ही राजयोगी, लेकिन राजयोगी की सीट पर सेट होकर रहो। हो राजयोगी, ब्रह्मा कुमार कुमारी हो तो उस सीट पर सेट रहना होगा ना, नहीं तो चलते चलते कर्म में बिजी होने के कारण योग भूल जाता है, सिर्फ कर्म ही रह जाता है। काम करने लगते हैं और बाबा को भूल जाते हैं। लेकिन आप कर्मयोगी कंबाइंड हो, कंबाइंड हैं तो फिर कभी गलती नहीं होगी। योगी सदा ही रूलिंग पावर, कंट्रोलिंग पावर में रहे। फिर राजयोगी डबल पावर वाले कभी भी व्यर्थ सोच नहीं सकते। बाबा कह रहे हैं कि जब अपनी डबल पावर याद रहेगी तो कभी भी आप व्यर्थ सोच ही नहीं सकते। तो अभी कभी नहीं कहना, सोचना भी नहीं कि राजयोगी वेस्ट कर सकते हैं। समय को भी वेस्ट नहीं करना है, संकल्प को भी वेस्ट नहीं करना है। तो ये कौन सा ग्रुप है? बेस्ट ग्रुप। बाबा कहते हैं आप बेस्ट ग्रुप के हो। बाप दादा को भी बेस्ट ग्रुप अति प्यारा है। क्यों क्यों प्यारा है? 63 जन्म बहुत वेस्ट किया ना, अभी यह छोटा सा जन्म बेस्ट ही बेस्ट। तो आई एम द बेस्ट, ये जन्म बेस्ट। हम कौन हैं? मैं कौन हूँ? बेस्टेस्ट है ना, तो बेस्ट ही बेस्ट। अच्छा वरदान है, अटूट याद द्वारा सर्व समस्याओं का हल करने वाली उड़ता पंछी भव। अटूट याद द्वारा सर्व समस्याओं का हल करने वाले उड़ता पंछी भव। बाप दादा समझाते हैं, जब यह अनुभव हो जाता है कि मेरा बाबा है तो जो मेरा होता है वह स्वतः याद रहता है, याद किया नहीं जाता।
मेरा अर्थात अधिकार प्राप्त हो जाना, मेरा बाबा और मैं बाबा का, इसी को कहा जाता है सहज योग। मैं बाबा का और बाबा मेरा, यह है सहज योग। ऐसे सहजयोगी बन एक बाप की याद के लगन में मगन रहते हुए आगे बढ़ते चलो। यह अटूट याद ही सर्व समस्याओं का हल कर उड़ती पंछी बनाए, उड़ती कला में ले जाएगी। यह अटूट याद ही सर्व समस्याओं का हल कर उड़ता पंछी बनाए, हमें उड़ती कला में ले जाएगी। बाबा की याद रहेगी तो कोई समस्या समस्या लगेगी ही नहीं, लगती भी है थोड़ी तो तुरंत समाधान मिल जाएगा और हम डबल लाइट होकर उड़ते रहेंगे, उड़ती कला में उड़ते रहेंगे। तो बाबा कहते हैं ये सब कब होगा, अटूट याद। कल की मुरली भी थी ना, खुद को आत्मा समझ परमात्मा बाप को याद करो। स्लोगन, मनन शक्ति के अनुभवी बनो तो ज्ञान धन बढ़ता रहेगा। मनन शक्ति के अनुभवी बनो तो ज्ञान धन बढ़ता रहेगा। जितना हम ज्ञान का मनन चिंतन करेंगे पॉइंट्स आते जाएंगे, हम धारणा स्वरूप बनते जाएंगे, संपत्तिवान बनते जाएंगे, ज्ञान बढ़ता जाएगा ना, ज्ञान की अथॉरिटी होती जाएगी। तो बाबा कहते हैं मनन शक्ति का अभ्यास करना है, यही अनुभव करना है। अभी सूचना है कि आज संडे है, थर्ड संडे है, तो हमको क्या संकल्प मिलता है कि नुमा शाम के योग में अपने आकारी फरिश्ते स्वरूप में स्थित हो विश्व परिक्रमा करते हुए प्रकृति सहित सर्व आत्माओं को लाइट माइट देने की सेवा करें। फरिश्ता स्थिति में स्थित होकर सभी आत्माओं को और प्रकृति के पांचों तत्वों को लाइट माइट देने की सेवा करना है। तो ये थी अव्यक्त वाणी, जिसको एक बार रिवाइज करेंगे कि दिलाराम बाप चमकदार संतुष्ट मणियों को देख रहे थे। संतुष्टता हमारा नेचुरल स्वभाव है। कोई भी परिस्थिति को साक्षी भाव से देखना है, क्या समझना है, कार्टून शो है, और सदा श्रेष्ठ शान में स्थित रहना है, परेशान नहीं होना है। एक बाप से ही सर्व संबंधों की अनुभूति करनी है। ज्ञान गुण व शक्ति की संपत्ति से हम भरपूर हैं, और क्या चाहिए। बाप की समीपता से आत्मा सदा शक्तिशाली सदा तंदुरुस्त रहती है। तो ये तीनों वरदान हमें बाप से मिले हुए हैं, संबंध संपत्ति और सेहत। अब इस वरदान रूपी बीज को स्मृति का पानी और स्थिति की स्वरूप की धूप देकर फलदायी बनाना है। कर सकते हैं ना ये हम। और भाषा में कौन सी सीखनी है, सूक्ष्म इशारों की, नैनों की, और दृढ़ संकल्प से अपनी सभी कमजोरियों को हटा देना है। व्यर्थ को समर्थ में बदल होली हंस बनना है। डबल पावर, रूलिंग व कंट्रोलिंग पावर वाला राजयोगी बनना है। और बाप की याद से सदा उड़ता पंछी बने रहना है और मनन चिंतन कर ज्ञान धन बढ़ाते रहना है। आज की मुरली से स्वमान लेंगे, मैं संतुष्ट मणि हूँ, मैं संतुष्ट मणि हूँ। ओम शांति।